पटना के गांधी मैदान में 70 फीट का रावण धू धू कर जल गया। इस दौरान अद्भुत आतिशबाजी भी की गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर भी कार्यक्रम में शामिल हुए। खास बात रही कि लंबे समय बाद लालू यादव ने भी रावण दहन का लुत्फ लिया। सीएम और गवर्नर के साथ उन्होंने भी रावण पर तीर चलाया। पटना के गांधी मैदान में रावण मेघनाथ कुंभकर्ण का पुतला जलाया गया। लंका बनाकर उसमें आतिशबाजी की गई। वैसे तो ये सरकारी कार्यक्रम नहीं होता है, मगर इसकी तैयारी प्रशासन स्तर पर ही की जाती है। सरकार के टॉप नुमाइंदे इसमें शिरकत करते हैं। इस बार खास बात रही कि सीएम नीतीश और गवर्नर आर्लेकर के साथ लालू यादव भी मंच पर मौजूद थे। परंपरा रही है कि रावण दहन से पहले रामलीला करने वालों की मंडली गांधी मैदान पहुंचती है, फिर रथ पर श्री राम और लक्ष्मण के रोल में जो शख्स बैठा होता है उसकी पूजा अर्चना की जाती है। गवर्नर और सीएम ने इस परंपरा को पटना के गांधी मैदान में निभाया। मंत्रोच्चार के बाद श्री राम लक्ष्मण की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने आरती उतारी। इस दौरान सारे वीआईपी मौजूद रहे। इसके बाद शुरू हुआ रावण दहन का कार्यक्रम। लंबे समय बाद रावण दहन के मौके पर गांधी मैदान पहुंचे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के हाथ में भी तीर धनुष थमाई गई। उन्होंने भी नीतीश कुमार और गवर्नर के साथ रावण पर निशाना लगाया। इसके बाद धू धू कर एक के बाद एक पुतले जलने लगे। गांधी मैदान में 70 फीट के रावण का पुतला इस साल लगाया गया था। सबसे पहले कुंभकर्ण, फिर मेघनाद और उसके बाद लंका का दहन किया गया। इसके बाद रावण का दहन हुआ। समारोह का उद्घाटन बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने किया।